वेलकम टू ओएसएस सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ई लर्निंग यूट्यूब चैनल। ओएसएस इज ए लीडिंग आईएसओ सर्टिफिकेशन बॉडी प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एंड ट्रेनिंग। देखो जी, 14001 सर्टिफिकेशन के लिए इस इंटायर वीडियो में हमने 5 पॉइंट को कवर किया है अबाउट आईएसओ 14001 एंड हाउ why ISO 14001 is certification is required, how to prepare for ISO 14001, and what are the documents required for the 14001 certification and how to apply. ये entire video में ये 5 point cover किया हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप complete video को अगर ये watch करते हैं तो आपको एक understanding develop हो जाएगी कि कैसे 14001 standard क्या है, certification क्यों चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है ऑर्गेनाइजेशन को 14001 सर्टिफिकेशन के लिए, और क्या क्या 14001 सर्टिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए एंड हाउ टू अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल होगा आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर ISO 14001 सर्टिफिकेशन। ओके, लेट अस मूव ऑन द शी अबाउट ISO 14001। 14001 इज ए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है ये इन्वायरमेंटल? ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिक वर्डिंग से समझ में आता है कि दिस इज अ स्टैंडर्ड इज स्पेसिफिक फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या करना है, इस स्टैंडर्ड के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एंड टू रिस्पॉन्ड द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड बैलेंस इन द सोशियो इकोनॉमिक नीड्स। इन्वायरमेंट को किससे प्रोटेक्ट करना होता है? स्वाभाविक है कि किसको प्रोटेक्ट करना होता है, पॉल्यूशन से, डिप्लीशन से, ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे स्लाइड्स में हम देखते हैं इसके डिटेल में, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि हम काफ़ी आप लोग को क्लैरिफाई हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। देखो जी, ISO 14001 स्टैंडर्ड जो है 10 क्लॉज है, क्लॉज नंबर 1 to क्लॉज नंबर 10, इस स्टैंडर्ड में 10 क्लॉजेज हैं। बट किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो रिक्वायरमेंट जो क्लॉज नंबर 4 to क्लॉज नंबर 10 में दिया हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए यही है, और इसको सर्टिफिकेशन के लिए यही 4 to 10 क्लॉजेस यूज होता है व्हेन एनी सर्टिफिकेशन कम फॉर द ऑडिट। ओके, ISO सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए? वही ISO सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। देखो जी, रिक्वायरमेंट बहुत कुछ हो सकती है, बट देर इज ए 3 स्पेसिफिक पर्पस। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट ऑफ एनवायरमेंट, वातावरण को, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को किससे इन्हांस करना है, तो क्या करने के, कैसे इन्हांस होता है? वन, चलो इससे पहले मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट का टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन क्या है? द environment in which we live, surroundings, air, water, land, flora, fauna, these are the environment। और क्या होगा कि environment में pollution होता है, उससे अगर performance enhance करना है तो that means we have to reduce the pollution level। pollution भी बहुत तरह का होता है, मैं आपको एक बार clarify, ऐसे आप लोगों को पता ही होगा फिर भी बता दें, air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे, बट दिज आर द कोर एरियाज वेयर वी आर वी मोर फोकस ऑन दिस स्टैंडर्ड ऑल्दो स्पेसिफिक ऑफ दिस। देन सेकेंड पर्पज है इस स्टैंडर्ड की, 14001 सर्टिफिकेशन की, कंप्लायंस ऑब्लीगेशंस, फुलफिलमेंट ऑफ द कंप्लायंस ऑफ, कंप्लायंस ऑब्लीगेशन क्या है? लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? अब कोई पूछता है कि व्हाट इज द, हाउ टू फाइंड द लीगल रिक्वायरमेंट। तो लीगल रिक्वायरमेंट के लिए क्या होता है कि आइदर यू सी इन योर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके ऊपर इन्वायरमेंटल की बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट है, आप उसमें चूज कर सकते हैं तो आपके लिए क्या अप्लाई करता है, नहीं अप्लाई करता। अदरवाइज CPCB की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है CPCB, वहाँ पर जाके अपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक व्हाट इज द अप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट, वहाँ से आप देख सकते हैं और उसको, उसके रिक्वायरमेंट को आपको कंप्लाई करना है जो आपके लिए अप्लीकेबल है। रिक्वायरमेंट बहुत सारे भी होंगे, बट यू हैव टू सी द आपके इंडस्ट्री के हिसाब से कौन सी रिक्वायरमेंट फिट बैठती है, उसको आपको कंप्लाई करना है। ऑन अचीवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव को आपको अचीव करना है। तो एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है?
14,000 सर्टिफिकेशन का पर्पस ही है कि इन्हांसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कंप्लायंस टू द लीगल रिक्वायरमेंट, तो फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट ऑन प्रोटेक्शन, तो दैट मीन्स हमें पॉल्यूशन से प्रिवेंट करना है और लीगल अप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना है, तो यही ऑब्जेक्टिव भी होगी। होप कि आपको ये क्लैरिफाई हुआ कि वाई ISO 14000 सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड हाउ टू प्रिपेयर। ISO 14001 सर्टिफिकेशन के प्रिपेयर करना है कैसे, देखो जी इसका बेसिक होता है प्रिपरेशन के लिए। सपोज कि यू आर न्यू टू द 14001, तो क्या करना है, सबसे पहले ISO 14001 के स्टैंडर्ड को लेना है, उसको देखना है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट और हम क्या करंट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, दोनों के बीच का आपको गैप एनालिसिस करना है। और हो सकता है कि आप देखें कुछ प्रैक्टिसेस जो आप कर भी रहे होंगे, कुछ प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हो, तो जो गैप होती है उसके हिसाब से आप गैप को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब बहुत ही कई आदमी मेरे से सवाल किया ISO 14001 स्टैंडर्ड कहाँ से लें, तो देखो जी वो पब्लिकली अवेलेबल ISO की वेबसाइट जहाँ पे पब्लिश होता है, जहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर इन्फॉर्मेशन 14001 की चाहिए तो आप OSS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे www.oss-certification.com पे लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पे 14000 की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बहुत सारे ब्लॉग सेक्शन में भी जाके देखते हैं, ब्लॉग में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है 14000, जो आपकी आपको एक क्लियर रिक्वायरमेंट की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बट बेस्ट एडवाइस यू बाई द स्टैंडर्ड, दैट इज द मोर बेस्ट वे। ओके, लेट अस सी, जब गैप एनालिसिस कर लें तो हमें पता चल गया कि क्या हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से या तो कोई डॉक्यूमेंट, कोई नया डॉक्यूमेंट डेवलप कर लो उसको कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, या कोई हो सकता है कि ऑर्गेनाइज में थोड़ा बहुत चेंजेस कुछ करना हो उसको मीट करने के लिए। सपोज कि कहीं साउंड ज़्यादा आ रही है तो साउंड कम करना है, कहीं वाटर पॉल्यूशन हो तो उसको कैसे रोकना है, तो कुछ चेंजेस करके भी आप उसके रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। जब चेंजेस आपने कर लिया ऑर्गेनाइजेशन में, देन उसको आपको लोगों को बताना है ऑर्गेनाइजेशन में कि देखो जी दिस आर द वी हैव मेड द चेंजेस, और उसको फिर उस हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना है और उसको मॉनिटर करना है कि जो हमने चेंजेस किया जिस पर्पज से किया वो रिक्वायरमेंट मीट कर रही है कि नहीं मीट कर रही है। होप इट इज क्लैरिफाइड कि क्या क्या आपको कैसे आपको प्रिपेयर करना है फॉर सर्टिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, देखो जी ISO 14001 के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट के सबसे पहले डॉक्यूमेंट होता है एनवायरमेंटल पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की एक एनवायरमेंटल पॉलिसी। पॉलिसी क्या है, पॉलिसी इज द स्टेटमेंट, एक टॉप मैनेजमेंट के स्टेटमेंट है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की व्यूज क्या है फॉर द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, तो प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, कंप्लायंस टू लीगल रिक्वायरमेंट और मीटिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, और भी जो कुछ हो सकता है यू कैन ऐड इट, एंड ऑब्जेक्टिव भी उसी से ड्राइव हो जाता है। अब प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन आपने बोला है तो उसकी आपको देखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट का क्या क्या उसका मॉनिटरिंग पॉइंट बनाएंगे ऑब्जेक्टिव में। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशू, आप उम्मीद करते हैं कि लास्ट वीडियो भी आपने देखा होगा, मैंने इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज पर हमने काफ़ी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ISO 9001 की वीडियो को आप वॉच करें, आपको जरूर ये इन्फॉर्मेशन मिले, वो क्लैरिफाई हो तो आपको समझ में आ जाएगी। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, ये रिकॉर्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इट्स इम्पैक्ट एनालिसिस, ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ क्योंकि ये स्पेसिफिक इसी स्टैंडर्ड के लिए है। देखो जी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या है, इसके टर्मिनोलॉजी पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या होता है कि प्रोडक्ट सर्विसेज एक्टिविटीज विच इंटरैक्ट विद द एन्वायरमेंट इस एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। एनवायरमेंट सर इंटरैक्ट क्या होगा, तो एनवायरमेंट क्या होगा वो या तो डिसबैलेंस ऑफ एनवायरमेंट होगा, दैट मीन्स पॉल्यूशन होगा, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में देखना है कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो जो क्रिएटिंग द पॉल्यूशन, आप मोटा मोटी ऐसा समझ लो, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका एनालिसिस करना है कि वो कितना सिग्निफिकेंट है। सपोज कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जनरेटर है, लोग बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं, जनरेटर बहुत तेज़ आवाज़ करता है काम कर, तो आप देखते हो कि खुद भी आप डिस्टर्ब होते हैं और नाइवर भी डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपको क्या होगा साइलेंट जनरेटर यूज़ कर लो, एकॉस्टिक चैम्बर लगा लो, तो जिस तरह से ये एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो गया। सपोज कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पानी बह रहा है लगातार, तो आप देखते हो कि ये वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि कंटिन्यूस पानी डिचार्ज, वाटर इज द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज अगर डिप्लीशन है दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज द पॉल्यूशन, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीशन भी उसमें कंसिडर किया है, तो आपको देखना है कि कैसे एक्शन लेना है उसमें। तो उसी तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज, जहाँ भी एक्टिविटी, उसमें आपको देखना है कि कहाँ कहाँ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स है, उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसकी एनालिसिस करना है, देखना कौन सिग्निफिकेंट्स हैं,
जो सिग्निफिकेंट का कहने का मतलब कि जो क्रिएट्स द मोर पॉल्यूशंस, उसको पहले आपको रिड्यूस करना है, या कोई डॉक्यूमेंट चेंज के, या प्रैक्टिसेस में चेंज ला के, या जैसे भी करना है, दैट हैज बी वी हैव टू रिड्यूस. दिस इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. उसी हिसाब से आपको प्रोसीजर बनाना है, एसओपी बनाना है, वर्क इंस्ट्रक्शन बनाना है, देखना है कैसे होना है. देन नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी. इंटरेस्टेड पार्टी आपको आपने देखा कौन कौन है, हु डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट सर्विसेज एंड एक्टिविटीज के ऊपर, जो डिपेंड है या इफेक्टिव होता है, उसे डिपेंड है या उसके ऊपर इफेक्ट होता है आपके प्रोडक्ट सर्विसेज से, तो उनकी भी क्या एक्सपेक्टेशन है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से आपके आपके प्रति, तो उनके ऊपर आपको एड्रेस करना है. रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोगों को डिफाइन करना है कि आपको क्या क्या जिम्मेदारी है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से, कैसे प्रोटेक्ट करना है, पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस करना है, क्या क्या एक्शन लेना है, किसको मॉनिटर करना है, तो दैट हैज टू बी हैव टू डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन रिस्क एनालिसिस. रिस्क एनालिसिस मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो आप देखें कि लास्ट वीडियो आप ISO 9001 सर्टिफिकेशन की वीडियो हमने बनाया है, उसमें रिस्क एनालिसिस को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो आपको देखेंगे कॉन्सेप्ट रिस्क एनालिसिस का वही है, चाहे स्टैंडर्ड कोई भी हो, कॉन्सेप्ट रिस्क एनालिसिस द सेम. बस इस वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि इंटरनल एक्सटर्नलिस रिस्क एनालिसिस किसका करना है, इंटरनल एक्सटर्नलिस का, नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी, सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड कंप्लायंस ऑब्लिगेशन का आपका रिस्क एनालिसिस करना है. रिस्क एनालिसिस के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट वीडियो को जाकर देखें ISO 9001 के, और उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो होप दैट विल क्लैरिफाई. देन लीगल रजिस्टर एंड कंप्लायंस ऑब्लिगेशन. तो आपको एक लीगल रजिस्टर जरूर बनाना है, अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर EMS सर्टिफिकेशन. लीगल रजिस्टर क्या होता है कि जैसे आपने लास्ट स्लाइड में देखा कि अप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट, अप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट आप देखेंगे क्या क्या है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साइट्स पे जाके देखेंगे, या CPCB के साइट पे जाके देखेंगे क्या क्या आपके लिए अप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से लीगल रजिस्टर प्रिपेयर करना है. और उसके कंप्लायंसेस, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसको अगर मीट करें, कंप्लायंसेस को आपको रिकॉर्ड आपके पास रखना है. देन एक बहुत स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी सिचुएशन प्रिपेयर्डनेस एंड मॉक ड्रिल रिकॉर्ड. देखो जी, इमरजेंसी प्रिपरेशन आपको देखना है कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको देखना है कि व्हाट क्या क्या पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है. हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फायर हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड हो जाए, तो दीज आर द नेचुरल नेचुरल पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन. तो इन सारी नेचुरल पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको कैसे आपको प्रिपेयर्ड करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो पहले से आपको प्रिपेयर्डनेस अपने यहाँ रेडी रखिए. और मॉक ड्रिल क्या है, मॉक ड्रिल कोई ऐसा चीज़ नहीं, उसी को आप अपने यहाँ ट्रायल करके आप देख सकते हैं कि हाउ द योर प्रिपेयर्डनेस इज रेडी. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की. देन आपको रिकॉर्ड ऑफ कैलिब्रेशन ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड ऑफ कैलिब्रेशन में आपको बहुत स्पेसिफिक होना है, इस स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग. सपोज कि आपके फैक्ट्री में नॉइज लेवल बहुत हाई है, तो नॉइज चेक करने के लिए आपने कोई अगर इंस्ट्रूमेंट रखा है, उसकी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी कैलिब्रेशन रिकॉर्ड चाहिए. तो मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट विच इज यूज फॉर द मॉनिटरिंग द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, उसकी कैलिब्रेशन रिकॉर्ड आपके पास. अगर आपको सपोज कि आप बाहर से हायर करके किसी प्रोफेशन से कराते हैं, तो आपको रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उन वो जिस इक्विपमेंट को आप यूज़ करें उनकी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आपको देखना है, उसकी कॉपी भी आपको रखना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है. देन रिकॉर्ड ऑफ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग. एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग क्या होता है कि पहले भी हमने जैसे बताया कि टोटल परफॉर्मेंस क्या हो, कि आपको थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन में देखना है कौन कौन सा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स है जो आपकी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, उसको पॉल्यूशन को आप रिड्यूस कर रहे हैं. हो सकता है कोई चेंजेस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर में करके, चेंजेस इन द मशीनरी में, कोई मॉनिटरिंग हो चेंज करके, किसी को कोई इक्विपमेंट में चेंज करके, या कुछ और भी चेंजेस करके आप कर रहे हैं मॉनिटर कर, उस मॉनिटरिंग रिकॉर्ड को आपको रखना है, दैट इज द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिकॉर्ड. ये इंपॉर्टेंट है, वही एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिकॉर्ड ही डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हाउ परफॉर्मिंग योर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आपको ट्रेनिंग रिकॉर्ड आप जरूर रखना चाहिए, जिस लोगों को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपने ट्रेनिंग दिया है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में, या पॉल्यूशन मॉनिटर करने में, या
जो भी इस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जिस भी टॉपिक पे आपने अगर किसी को ट्रेनिंग दिया है, उनके ट्रेनिंग के रिकॉर्ड अपने पास रखें, इंटरनल ऑडिट का रिकॉर्ड रखें, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करके रखें, और रिकॉर्ड ऑफ करेक्टिव एक्शंस एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई फॉर ISO 14001 सर्टिफिकेशन। ISO 14001 सर्टिफिकेशन अगर आप चाहते हैं, आपको लेना है, देन यू कैन विजिट टू www.osacertification.com और वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप मेल लिख सकते हैं info@osacertification.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ISO सर्टिफिकेशन 14001 सर्टिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या करना है, 14001 स्टैंडर्ड क्या है, उसको वाई सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द 14001 सर्टिफिकेशन, एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द 14001 सर्टिफिकेशन, एंड हाउ टू अप्लाई फॉर द 14001 सर्टिफिकेशन। अगर अगर अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो, कोई अगर डाउट हो, कोई चीज़ समझ में, कोई मोर क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू।